खाए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे नीचे के हिस्से को कोलोन बोलते हैं, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत भी बोलते हैं। कोलोन के सबसे नीचे के हिस्से को रेक्टम बोलते हैं। हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होता है। इसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है वो बड़ी आंत में एंटर करता है, इससे स्टूल या फिकल मैटर बनता है जो कि एक्सक्रीट हो जाता है। कोलोन या रेक्टम कैंसर की एक कॉमन साइट है, इसे हम कंबाइंड तरीके से कोलोरेक्टल कैंसर भी बोलते हैं। मोस्टली ये कैंसर क्यूरेबल होते हैं और इनका ट्रीटमेंट संभव होता है। जब भी कोलोन कैंसर के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ये पूछते हैं कि उनको ये कैंसर क्यों हुआ और ये क्या ये कैंसर अवॉइडेबल है। कोलन कैंसर का कोई एक पर्टिकुलर कोज नहीं है जिसको अवॉइड करने से इस कैंसर को रोका जा सके। कोलोन कैंसर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। सबसे पहले है एज। कोलोन कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु जो जो उम्र बढ़ती है और ओल्ड एज में इसका कैंसर ज़्यादा होता है। यदि किसी को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी या मोटापा है, या फिर लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, इन लोगों में कोलोन कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। यदि कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है या स्मोकिंग करता है, इन लोगों को भी कोलोन कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। इंडियन डाइट जिसमें कि अनाज, फ्रूट, वेजिटेबल ज़्यादा होते हैं, उनमें कोलोन कैंसर की संभावना कम हो जाती है। वेस्टर्न डाइट जिसमें मीट ज़्यादा होता है, उसे कोलोन कैंसर की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो दो तरह की होती है, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इससे भी कोलोन कैंसर की संभावना बढ़ती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में यदि पूरी बड़ी आंत में अल्सरेटिव कोलाइटिस है और ड्यूरेशन 20 साल से ज़्यादा है, ऐसे लोगों में कैंसर की संभावना 20% तक हो सकती है। यदि किसी की फैमिली में कोलोन कैंसर है तो बाकी मेंबर्स को भी कोलोन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। दो फैमिलियर सिंड्रोम, लिंच सिंड्रोम और फैमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, इसमें भी कोलोन कैंसर की संभावना बाकी फैमिली मेंबर्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन मेंबर्स में हम स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को पास्ट में कोलोन कैंसर हो चुका है और वो ट्रीट हो चुका है, ऐसे पेशेंट को कोलोन कैंसर दोबारा होने की संभावना भी होती है। मोस्टली कोलोन कैंसर बड़ी आंत में पोलिप की तरह शुरू होते हैं। पोलिप एक छोटी गांठ या मस्सा होता है और कुछ पोलिप कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। पोलिप साइलेंट होते हैं, इनका कोई सिम्टम नहीं होता है, इसलिए कुछ कंट्रीज़ में स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी भी करते हैं। इसमें अगर पोलिप मिलता है तो उसको ट्रीट करते हैं। ये स्क्रीनिंग अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो 50 साल के बाद शुरू करते हैं और हर 10 साल में कोलोनोस्कोपी करते हैं। यदि कोई रिस्क फैक्टर है तो ये कोलोनोस्कोपी कम उम्र में भी शुरू कर सकते हैं। कोलन कैंसर के जो मेन सिम्टम्स हैं वो हैं ऑल्टर्ड बावल हैबिट्स। मरीज को या तो डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और लगता है कि पेट अच्छे से खाली नहीं हुआ है। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो सकता है, ये दर्द पेट के निचले हिस्से में होता है। इसके अलावा पेट में लगता है कि गैस फंस गई है। कुछ पेशेंट्स को स्टूल में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा वेट कम हो सकता है, भूख कम लग सकती है और कुछ मरीजों को थकान हो सकती है। थकान का जो कॉमन कारण है वो है हीमोग्लोबिन कम होना। कोलन कैंसर के मरीजों को स्टूल में ब्लड आ सकता है, ये ब्लड हमें दिखाई भी दे सकता है और ये ओकल्ट भी हो सकता है। ओकल्ट का मतलब है कि स्टूल में ब्लड नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम सिर्फ लैब में टेस्ट कर सकते हैं। यदि एल्डरली पॉपुलेशन में स्टूल ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव है और एनीमिया है, ऐसे मरीजों में कैंसर की संभावना होती है और कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए। कोलन कैंसर को डायग्नोस करने का बेस्ट मेथड है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी के लिए हम मरीज को दवाई पिलाते हैं, उसका पेट साफ करते हैं, उसके बाद प्रॉपर सेडेशन के अंदर कोलोनोस्कोपी करते हैं, इससे मरीज को पेन नहीं होता है। कोलोनोस्कोपी के दौरान यदि हमें कैंसर का डाउट होता है तो उसे हम बायोप्सी लेते हैं और उसे हम लैब में माइक्रोस्कोपी के थ्रू कंफर्म करते हैं। इसके अलावा यदि कोई पोलिप है उसको भी रिमूव करते हैं। एक बार कोलन कैंसर को डायग्नोस करने के बाद इसकी स्टेजिंग की जाती है। कोलन कैंसर की स्टेजिंग के लिए हम छाती और पेट का सीटी कराते हैं और यदि रेक्टम में कैंसर है तो ऐसे मरीजों के लिए एमआरआई और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, जो कि एक एंडोस्कोपिक विधि है। इसके द्वारा हम रेक्टल कैंसर की स्टेजिंग करते हैं। कोलन कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है। इसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जीआई सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ये सब मिलकर कोलन कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा इस टीम में डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर के लिए हमें देखना है कि ये कैंसर रेक्टम में है या बाकी कोलोन में है। इन दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। रेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी स्टेज पर डिपेंड करता है।
यदि ये बहुत अर्ली स्टेज का कैंसर है, इसे हम एंडोस्कोपी से ट्रीट कर सकते हैं। इस मेथड को हम एंडोस्कोपिक सब म्यूकोजल डाइसेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा इस ट्यूमर को हम ट्रांस एनल सर्जरी, जिसे हम टेमिस भी बोलते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। यदि ट्यूमर लोकली एडवांस्ड है, आसपास के टिश्यू में जा रहा है या आसपास की लिम्फ नोड में जा रहा है, ऐसे मरीजों को हम पहले कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं, उसके बाद ट्यूमर को डाउनस्टेज करने के बाद इसकी सर्जरी की जाती है। यदि ये रेक्टल कैंसर शरीर के बाकी हिस्सों में फैल गया है तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करते हैं, ट्यूमर को डाउनस्टेज करते हैं और उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं। यदि ये कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया है और इनक्योरेबल है तो इसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं और कई बार रेक्टम में स्टेंट भी डालते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन को या कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड किया जा सके। रेक्टल कैंसर के पेशेंट्स को डर होता है कि उनको लाइफ लॉन्ग बैग तो नहीं लगाना पड़ेगा। यदि रेक्टल कैंसर एनस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो ऐसे मरीजों में बैग लगने की संभावना नहीं के बराबर होती है। यदि कैंसर सिर्फ कोलन तक कन्फाइंड है और आसपास के टिश्यूज में है परंतु ये दूसरे टिश्यू यानी कि लीवर या लंग में नहीं फैला है, ऐसे मरीजों में हम पहले सर्जरी करते हैं, उसके बाद इस कैंसर को लैब में स्टडी करते हैं कि इसकी नेचर कैसी है। यदि ये अग्रेसिव ट्यूमर है, लिम्फ नोड में फैल गया है और बाकी पैरामीटर को देखते हुए हम पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी की सजेशन देते हैं। यदि कोलन कैंसर बाकी हिस्सों में फैला हुआ है और अगर लिमिटेड स्प्रेड है तो ऐसे मरीजों में पहले कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद कोलन कैंसर को रिमूव करते हैं और साथ में शरीर के बाकी हिस्से जिनमें कि ट्यूमर फैला हुआ है उनको भी सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर लीवर में छोटी गांठ है उनको भी सर्जरी के दौरान निकाला जा सकता है। यदि कोलन कैंसर का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और कैंसर इनक्योरेबल है तो ऐसे मरीजों में कीमोथेरेपी की जाती है और साथ में जरूरत पड़ने पर कोलन में स्टेंट भी डाला जाता है। क्या हम कोलन कैंसर को रोक सकते हैं? यदि हम कुछ प्रिकॉशन लें तो कोलन कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें हैवी अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, ब्लड शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए, ओबेसिटी को अवॉइड करना चाहिए और डाइट में ज़्यादा फाइबर लेना चाहिए और हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। इन सबको फॉलो करने से कोलन कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। थैंक यू।